इस वीडियो के अंदर आपने जाना था कि कैसे स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं आप एक्सेल शीट के अंदर। इस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बस मैंने आपको एक शीट बना के दिखा दी कि ये कैसे वर्क करती है। इसकी मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से करेंगे तभी ये आपके लिए वर्क करके देगी। अगर आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं पर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो यहाँ पर मुझको आप ही बताइए ये आपके लिए कैसे वर्क करेगी। वीडियो को जो है आप पूरा नहीं देखते, वीडियो को आप स्किप करेंगे तो वीडियो में जो भी मैंने बताया वो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं कि इस शीट को आप यूज कर सकते हैं। तो बैलेंस स्टॉक के अंदर सबसे पहले आइटम वाले कॉलम के अंदर आप अपनी आइटम के नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि 50 आइटम हो या 100 आइटम हो। आइटम कितने भी हो पर वो आइटम आपके पास फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हर दिन एक नई आइटम को ऐड करेंगे। अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं तो लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखने के बाद अब हम इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। स्टॉक इनवर्ड वाली आइटम वाले कॉलम के अंदर एक बार क्लिक करेंगे, डाटा टैब के अंदर जाकर डाटा टूल्स वाले ब्लॉक के अंदर डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां से हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स के ऊपर जाकर हम सोर्स बता देंगे। सोर्स के अंदर हम बताते हैं जिस चीज को हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी इन आइटम को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जितनी भी आइटम हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। इसके अंदर हमारी आइटमें शो हो जाएंगी। इसको एक बार नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो नीचे तक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। इसी को कॉपी कर लें और स्टॉक आउटवर्ड वाली आइटम वाले कॉलम के अंदर पेस्ट कर दें। तो इस तरफ भी आपकी लिस्ट बन चुकी है। अब यहां पर फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। इक्वल सम इफ ब्रैकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो रेंज हमारी हो जाएगी स्टॉक इनवर्ड का आइटम वाला कॉलम। F4 प्रेस करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करना जरूरी है तो फ्रीज जरूर करें। कोमा लगाएंगे। अब हमको क्राइटेरिया बताना है कि किस चीज का हम सम चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको पेंसिल का सम चाहिए, कोमा लगाएंगे। अब हम सम रेंज बताएंगे कि कहाँ पे नंबर आएंगे जिनको ये काउंट करेगा। तो स्टॉक इनवर्ड की क्वांटिटी वाली कॉलम के अंदर हम सिलेक्शन करेंगे। इसका सिलेक्शन मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं जितनी मर्जी चाहे उतनी एंट्री कर सकता हूँ। F4 प्रेस करेंगे, वापस इसको फ्रीज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन हम क्यों लगा रहे हैं? माइनस का साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी स्टॉक आउट होगा वो हमको माइनस करना है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। वापस से सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज बताएंगे। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा लगाएंगे। वापस से पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, सम रेंज बताएंगे। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये फॉर्मूला सम में लग जाएगा। अभी आप देखेंगे कि बैलेंस स्टॉक मेरे पास जीरो है सब आइटम का। मैं स्टेपलर की एक एंट्री करता हूँ इनवर्ड के अंदर और आउटवर्ड के अंदर।
200 क्वांटिटी को इन करते हैं और 50 क्वांटिटी को आउट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैलेंस स्टॉक अपडेट हो चुका है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मल अपनी एंट्री को करेंगे। इस शीट को आप मंथ वाइज बनाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ से शीट को ऐड कर देंगे। अभी अप्रैल की शीट है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 12 शीट हमारी आ चुकी हैं। इनको आप नाम दे देंगे मंथ वाइज। यहां पर ऊपर एक रो को ऐड करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे स्टॉक शीट और जो भी मंथ होगा वो मंथ का नाम लिख देंगे। कंट्रोल ए करके पूरी शीट को कॉपी करेंगे और मई वाली शीट के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद चार कॉलम को और ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट कॉलम, F4 प्रेस करेंगे। 3 बार F4 प्रेस करने के बाद आपके पास 4 न्यू कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी। इस वाले सेल को मर्ज कर देंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। इसको भी मर्ज एंड सेंटर वापस से कर देंगे। डेट वाला कॉलम हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, पीछे वाली शीट से ओपनिंग स्टॉक को यहां पे पेस्ट करेंगे। पीछे वाली शीट पे जाकर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और ओपनिंग स्टॉक के अंदर पेस्ट कर देता हूं। लास्ट मंथ जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आपको फॉर्मूला चेंज करना है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल यहां पर आकर F2 प्रेस करेंगे। इक्वल के बाद वापस से देखेंगे सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज बताएंगे। रेंज हो जाएगी हमारी ओपनिंग स्टॉक की, आइटम वाला कॉलम, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। कोमा लगाएंगे, पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी वाली साइड पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये फॉर्मूला सब में लग जाएगा। अब यहां पर मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूं। स्टेपलर का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 150 पीसेस। इस मंथ में हमने इसको परचेस किया वापस से 200 पीस और इस बार हमने आउट किया 20 पीस, तो जो बैलेंस स्टॉक है वो आपके सामने आ जाएगा। इस शीट को आप मंथ वाइज ऐसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको बीच में कोई आइटम ऐड करनी है जो कि लिस्ट में आपने ऐड नहीं करी थी तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो जब आप एक न्यू लिस्ट बनाएंगे तो सोर्स के अंदर आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे 2-3 बॉक्स को आप खाली छोड़ दें। जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो 3 बॉक्स एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। जब आप ड्रॉप डाउन के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे 3 जो आइटम है वो हमारे पास ब्लैंक आ रही है। जब भी यहाँ पर आप आइटम को ऐड कर देंगे तो वो आपके लिस्ट के अंदर शो हो जाएगी।
फिर आप उसको इन और आउट इजीली कर पाएंगे। आई होप वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप ज़रूर पूछें मुझसे बात करने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।